पोकर एक ऐसा शानदार खेल है जिसे कई तरीकों से खेला जाता है। ताश से जुड़े हुए खेल हम सब बचपन से खेलते आ रहे हैं। पोकर एक स्किल गेम के साथ ही वर्ल्ड का बेस्ट कार्ड गेम है, जिसमें खिलाड़ी को बहुत फोकस्ड होकर सोच समझकर इस गेम को खेलना होता है। अगर आपको पोकर गेम बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि पोकर खेलते कैसे हैं, कौन सा कार्ड बड़ा होता है, तो आज इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में कवर करा है। पोकर में आपको 5 कार्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है आउट ऑफ टोटल 7 कार्ड से, जिसमें से 2 कार्ड डीलर आपको देगा और बाकी के जो 5 कार्ड है टेबल के ऊपर वो ओपन होगा, जो कि सारे खेलने वाले प्लेयर के लिए कॉमन होते हैं। पोकर खेल का उद्देश्य 5 पत्तों का बेस्ट हैंड बनाना होता है। पोकर 52 कार्ड्स डेक के साथ खेला जाता है। मिनिमम 2 खिलाड़ी से 9 खिलाड़ी एक साथ इस गेम को खेल सकते हैं। पोकर में हैंड रैंकिंग जानना बेहद ज़रूरी है। आपको पोकर हैंड्स कितना मजबूत है ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि आपको बैट, फोल्ड, कॉल, चेक या रेस कब करना है। तो आइए समझते हैं पोकर की हैंड रैंकिंग को। स्टार्ट करेंगे सबसे हाईएस्ट हैंड रैंकिंग से लोएस्ट हैंड रैंकिंग तक। सबसे पहले है रॉयल फ्लश। ए के क्यू जे 10 एक ही रंग के, यह पोकर के सबसे बेहतरीन पत्ते हैं। इससे आपकी जीत निश्चित है। यहाँ 5 कार्ड का नंबर फिक्स है, जैसे 10, जैक, क्वीन, किंग और इक्का। इनका कलर स्वीट भी सेम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है स्ट्रेट फ्लश। एक ही कलर स्वीट के 5 पत्ते, वो भी सीक्वेंस में। यहाँ 5 कार्ड के नंबर की सीक्वेंस तो बननी चाहिए, लेकिन उनका कलर स्वीट भी सेम होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है 4 ऑफ अ काइंड, जिसमें आपके 5 पत्तों में से 4 पत्ते एक जैसे हों। मतलब आप 5 कार्ड में से जो 4 का नंबर सेम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 इक्के आपके पास हो। चौथे नंबर पर आता है फुल हाउस। पेयर और 3 ऑफ अ काइंड का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ आपके 5 कार्ड में से 3 कार्ड एक जैसे जिनका नंबर सेम है और बाकी जो 2 कार्ड है वो पेयर है, यानी आपके पास 3 ऑफ अ काइंड भी है और पेयर भी है। पांचवें नंबर पर आता है फ्लश। आपके पास 5 अलग अलग पत्ते एक ही सूट के हैं, मतलब आप 5 कार्ड का कलर स्वीट सेम नंबर चाहे कोई भी हो, जैसे कि 5 काले पान है या फिर 5 डायमंड है। 6 नंबर पर आता है स्ट्रेट, यानी आपके 5 पत्ते क्रमानुसार हैं, मगर अलग अलग सूट में है। मतलब आपके 5 कार्ड में जो नंबर है वो सीक्वेंस तो बन रही है, लेकिन कलर स्वीट कोई भी हो, जैसे कलर चाहे जैसा भी हो, नंबर में सीक्वेंस बनना जरूरी है। 7वें नंबर पर आता है 3 ऑफ अ काइंड, जिसमें आपके 5 पत्तों में से 3 पत्ते एक जैसे हैं। मतलब आपके 5 कार्ड में से 3 का नंबर सेम है। 8वें नंबर पर आता है 2 पेयर्स, यानी आपके 5 पत्तों में से 2 अलग अलग जोड़ियां बन रही हैं। मतलब आपके 5 कार्ड में से 2 पेयर हैं, जैसे कि 2 8 है और 2 बादशाह है। यहाँ 9वें नंबर पर आता है 1 पेयर, यानी आपकी 5 पत्तों में से 2 पत्ते का पेयर बन रहा है। मतलब आपके 5 कार्ड में से 2 कार्ड ऐसे हैं जिनके नंबर सेम है। 10वें नंबर पर सबसे लोएस्ट, यानी जो 10 पर है, वो होता है हाई कार्ड, जिसमें आपके 5 कार्डों में से कोई भी कॉम्बिनेशन या पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन इसके लिए अब आपका जो इसलिए सबसे भारी कार्ड यानी हाई कार्ड जो है 10वें नंबर सबसे लोएस्ट यानी 10 पर जो है वो है हाई कार्ड। जब पत्तों का कोई मेल नहीं बन रहा है तो खिलाड़ी के पास सबसे उच्च पत्तों की तुलना करी जाती है। सबसे बड़ा पत्ता जिसके पास होगा वो विजेता होगा। तो दोस्तों, ये थे पोकर के 10 हैंड्स रैंकिंग के रूल्स। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। खेल खेलते टाइम आपके बहुत काम आएगा और कुछ टाइम बाद खेल खेलते आपको याद हो जाएगा, जैसे मेरी तरह, फिर आपको स्क्रीनशॉट देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पोकर टेबल पर सारे प्लेयर की बारी क्लॉकवाइज आती है। जो स्टार्ट होता है वो डीलर पोजीशन से होता है। दोस्तों, पोकर में कुछ टर्म्स का यूज किया जाता है, सो पहले उन टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है स्मॉल ब्लाइंड, कम मूल्य की अनिवार्य बेट। ऑनलाइन गेमिंग में इसे अधिकतर SB यानी स्मॉल ब्लाइंड से भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर होता है बिग ब्लाइंड, बड़े मूल्य की बेट यानी BB। बिग ब्लाइंड, यह राशि स्मॉल ब्लाइंड की दुगनी होती है। होल्ड कार्ड, ये 2 पत्ते जो सभी खिलाड़ी डीलर से मिलते हैं। कम्युनिटी कार्ड, जो 5 पत्ते जो पोकर के अलग अलग राउंड्स के दौरान डीलर द्वारा खोले जाते हैं। ये पत्ते सभी खिलाड़ियों के लिए कॉमन होते हैं।
राउंड्स में भी कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। प्री फ्लॉप, ये पोकर खेल में सबसे पहला राउंड होता है। इसमें सभी खिलाड़ी होल्ड कार्ड के मिलने के बाद लेकिन कम्युनिटी कार्ड्स बटने से पहले अपनी बैट रखते हैं। फ्लॉप, ये पोकर के खेल में दूसरे राउंड का नाम है। इसमें डीलर कम्युनिटी कार्ड्स के पहले 3 पत्ते एक साथ खोलता है। ये राउंड तब समाप्त होता है जब सारे खिलाड़ी अपनी बैट्स लगा लेते हैं। टर्न, इस राउंड में चौथा कम्युनिटी कार्ड डीलर द्वारा खोला जाता है। उसके बाद सभी खिलाड़ी अपनी बैट्स लगाते हैं। यह खेल का तीसरा राउंड होता है। रिवर, यह खेल का आखिरी राउंड होता है। डीलर कम्युनिटी कार्ड आखिरी पत्ता खोलता है और पत्तों के आधार पर खिलाड़ी अपनी अंतिम बैट्स रखते हैं। इस राउंड्स के दौरान खिलाड़ी और बैट्स नहीं लगा सकते। रिवर्ड के समाप्त होने के बाद खेल शोडाउन की तरह भर जाता है। डीलर के लेफ्ट में दो पोजीशन को स्मॉल ब्लाइंड बिग ब्लाइंड बोलते हैं और बैक करना कंपलसरी होता है। बिग ब्लाइंड की अमाउंट हमेशा स्मॉल ब्लाइंड से डबल होती है। बिग ब्लाइंड की अमाउंट ही टेबल पर मिनिमम बैट है सारे ही प्लेयर को खेलने के लिए। दोस्तों, किसी भी पोकर टेबल पर बिग ब्लाइंड और स्मॉल ब्लाइंड अमाउंट गेम स्टार्ट होने से पहले ही फिक्स हो जाती है, चाहे आप ऑनलाइन खेलें या फिर ऑफलाइन। उसके बाद सारे ही प्लेयर्स को एक एक करके दो कार्ड बांटे जाते हैं। कार्ड बांटने की शुरुआत स्मॉल ब्लाइंड से होती है। अब कार्ड बांटने के बाद बिग ब्लाइंड और स्मॉल ब्लाइंड को छोड़कर सारे प्लेयर अपने कार्ड देखकर डिसीजन लेते हैं कि उन्हें यह खेल खेलना है या नहीं। अब सबसे पहले टर्न आती है बिग ब्लाइंड से अगले वाले प्लेयर की। अगर वो खेलना चाहता है तो उसके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन वन, वो कॉल कर सकता है और मैच कर सकता है अपनी बेट अमाउंट बिग ब्लाइंड की बेट अमाउंट से। या फिर ऑप्शन टू, रेज कर सकता है, जिसे बिग ब्लाइंड की अमाउंट से ज्यादा अमाउंट बेट कर सकता है। ऑप्शन थ्री, प्लेयर चाहे ऑल इन कर सकता है, जिसमें वो सारी की सारी चिप बेट कर देगा। अगर प्लेयर के पास कार्ड अच्छी नहीं है तो वो डिसाइड करता है कि उसे आगे नहीं खेलना है। तो उसके पास चार ऑप्शन होते हैं, जिसमें से वो अपने कार्ड फोल्ड कर सकता है, जिसमें प्लेयर बिना एक भी चिप्स गेम में डाले बाहर हो सकता है। इसके बाद एक एक करके एक एक प्लेयर का टर्न आता है और पहला राउंड खत्म होने के बाद सबके चिप्स स्पॉट में चले जाते हैं। उसके बाद डीलर अपने टेबल के ऊपर 3 कार्ड ओपन करता है। जो टेबल के ऊपर 3 कार्ड डीलर ओपन करता है, उसके सारे ही प्लेयर अपने कार्ड के साथ उसे मैच करते हैं और 5 कार्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। जो टेबल के ऊपर 3 कार्ड डीलर ओपन करता है, उससे सारे ही प्लेयर अपने कार्ड के साथ उसको मैच करते हैं और उन 5 कार्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। इसके बाद बेटिंग राउंड स्टार्ट होता है। फर्स्ट प्लेयर के पास 3 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1 चेक, ऑप्शन 2 बेट और थर्ड ऑप्शन फोल्ड। ऑप्शन 1 चेक, जिससे कि वो बिना कोई चिप्स डाले अपनी टर्न पास कर सकता है अगले प्लेयर को। ऑप्शन 2 बेट, जिसे कम से कम बिग ब्लाइंड वैल्यू जिसने चिप से बेट करना पड़ेगा। ऑप्शन 2 बेट, जिसमें कम से कम ब्लाइंड वैल्यू जितनी चिप से उसको बेट करना पड़ेगा। ऑप्शन 3 फोल्ड, कि आगे वाले प्लेयर फोल्ड कर सकते हैं और फिर राउंड खत्म होता है। इस बीच में कोई भी प्लेयर बैट करता है या फिर फर्स्ट प्लेयर ही बैट करता है, तो आगे वाले सारे प्लेयर को कॉल, रेस या फोल्ड तो करना ही पड़ेगा। फिर दोबारा सबकी अमाउंट सेम होते ही राउंड खत्म होता है। सबके चिप्स पॉट के अंदर जाते हैं और अब डीलर फोर्थ कार्ड ओपन करता है और फिर दोबारा राउंड स्टार्ट होता है और राउंड खत्म होता है। फिर चिप्स में पॉट जाते हैं और फिर डीलर फिफ्थ यानी लास्ट कार्ड ओपन करता है और फिर फाइनल बेटिंग राउंड स्टार्ट होता है और राउंड खत्म होते ही अगेन सारे चिप्स पॉट के अंदर जाते हैं और बेटिंग के सारे राउंड्स खत्म होते हैं और सारे पत्ते आपके खत्म हो चुके हैं। सो अब टाइम है कार्ड शो करने के लिए। सारे प्लेयर्स को अपने कार्ड शो करेंगे, जिसके पास भी सबसे हाई रैंकिंग पोकर हैंड्स होंगे एज पर विनर घोषित हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पोकर गेम खत्म होता है। इस वीडियो को कम से कम आप एक बार जरूर देखिएगा और अगर आपको कोई रूल समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी प्रश्न है आपका, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम किसी और वीडियो के बारे में आपको बताएं, तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।